दरभंगा कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई। दोनों तटबंधों के बीच बसे गांव में खतरा बढ़ गया है। कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से करीब आधा दर्जन गांव पानी से घिरे होने की बात सामने आई है। बारिश के पानी से कमला नदी की जलस्तर में वृद्धि से तटबंध के बीच बसे आधे दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। बाबू नवटोलिया, बैजनाथपुर, कनकी मुसहड़ी, लगमा मुसहड़ी, जमरी टोला आदि गांव में घनश्यामपुर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क पर भी पानी बहने की बात सामने आई है और पशु चारा पे पेयजल, ईंधन, खदान आदि की किल्लत हो गई है। लगातार हो रही बारिश से भी बाढ़ पीड़ितों की परेशानी बढ़ गई है। मध्य विद्यालय भाव कन्या, मध्य विद्यालय नगतोलिया, मध्य विद्यालय रसियारी, प्राथमिक विद्यालय कनकी मुसहड़ी आदि में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे कि स्कूली बच्चों का पठन पाठन भी ठप हो गया है। वहीं खेत खलिहान भी पूरी तरीके से डूब चुका है। उन लोग की स्थिति सर देखते हैं, जो किस खाने पीने के लिए माल जाल को भी नहीं है, घर आंगन में पानी रुका हुआ है। अभी तक कुछ सरकार को तरफ से कुछ मिला है नहीं। कल आदमी से तो फसियारी कैसे नौ तक नहीं चली, हेलडूम के सलानते हैं, गाछ घुस कट कर गाछ वृक्ष को जंगल सौंपते हैं। पानी गए, पानी गए घर में, माल से अन्न पैसा भीज टी गए हमार, आ माल का बांधना चाहिए बांध पर वहाँ वैसा भीज गए। अखनी अन्न पानी से छान लिए हन पानी में से की करब, पानी ढुक गए घर में जल हमार कुछ न बचल। देखियो जाकर हैया, देखियो गाँव में लाइद में हैया गौ लाइद में गाँव देखियो भीजल, अंगनो जाकर देखियो चेक क्या कर बुझलिए, कोनो चीज न बचल की करब। हमारे गरीब लोग की हेतु उपाय से कहू तो कत बांधे बाबू, कत बांधे छे बांधे छे बांध पर की करब, कमला बांध पर कमला बांध पर बांधे छे बाबू की करब। घर का हाथ वह खसि पड़े से पानि में छे, हाँ से बन खाना पीना सब बंद छे हमर की करब। से भीज टी गए चल तो जोर भीज टी गए घर में तो की करब। लहरियासराय थाना दरभंगा के पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नशीली दवा का उपयोग करने वाले और नशा का उपयोग करने वाले दो सदस्यों को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों को आदर्श थाना लहरियासराय दरभंगा लाया गया, जहां से मंगलवार को आगे की कार्रवाई की जा रही थी। पकड़े गए नशीली दवाइयों में कई प्रकार के नशीली दवाइयों इंजेक्शन भी इन लोगों के पास से जब्त किए गए हैं। ड्रग्स विभाग दरभंगा की टीम द्वारा तमाम दवाइयों इंजेक्शन की जांच पड़ताल की जा रही थी और पकड़े गए गिरफ्तार दोनों ही आरोपी से पूछताछ किया जा रहा था। इतनी भारी मात्रा में ये लोग कहां से इस प्रकार की दवाइयों इंजेक्शन लाते हैं और खुद भी इसका उपयोग कर नशा में धुत रहते हैं, वहीं दूसरों को भी इस तरह की दवाइयां देते हैं। तमाम मामले पर ड्रग्स विभाग दरभंगा के संदीप शाह से बात की, इन्होंने क्या कुछ बताया हम आपको सुना रहे हैं। ये जो दवाई है ये लगातार पुलिस डिपार्टमेंट और ड्रग्स डिपार्टमेंट द्वारा कार्रवाई की जा रही है ताकि यंग जनरेशन जो है इसको सेवन नहीं कर पाए, गरीब लोग नहीं कर पाए। इसको सेवन से जो है नशा होता है और मानसिक संतुलन बिगड़ता है, शरीर संतुलन बिगड़ता है, समाज के लिए जो बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी रहता है। लगभग कितने तरह का जो है दवा और या इंजेक्शन जो है या बरामद किया गया? ये टोटल चार तरह का इंजेक्शन बरामद किया गया है ड्रग, है ना, जिसमें 32 एम्पूल एक इंजेक्शन है और एनजी टेबलेट है, जो अल्प्राजुलाम है, कार्बन स्पास है, स्पासमो प्रोक्सिमोल है। आखिर क्या लग रहा है जो चीज प्रतिबंधित दवाएं हैं या कोई ऐसे, आखिर कहाँ से ये लोग ले आते हैं और इसका उपयोग करते हैं? देखिए दवाई ये प्रतिबंधित तो नहीं है, लेकिन इसको यूज बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं किया जा सकता है और खरीदा भी नहीं जा सकता है। और इसके सेवन से जो है मानव जीवन को अगर ओवरडोज में लिया जाए तो हानि हो सकती है, जानवर की क्षति हो सकती है। अगर किसी पर्ची के ऐसे लोगों को ये इस तरह की दवाइयाँ दे दी जाती है जो कि नशे में लोग उपयोग करते हैं, तो जो इस तरह की दवाई की दुकान है क्या उस पर कोई संज्ञान ली जाएगी, कोई कार्रवाई का? देखिए दवा के दुकान से इस तरह की दवाई बेचे जाने का आज तक मामला प्रकाश में नहीं आया। ये बहुत अगर किसी दवा दुकान को ऐसा पाया जाता है कि बेचते हुए पाए तो जरूर कार्रवाई की जा सकती है। ये लोग उनसे पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से लाए हैं, कैसे लाएं,
कुल कितने लोग पकड़ाए हैं नस्ली दवा के मामले? ये दो तरह के आज पकड़ा गया है इन लोगों को। कहाँ के रहने वाले, क्या पता चला? जैसे पूछताछ जारी है, ये अललपट्टी के आदमी बता रहे हैं, बाकी कुछ तक बताएंगे। थाना क्षेत्र कहाँ के लोग बताएंगे? लड़िया से थाना। तो कुछ ये लोग बताएं कितने दिनों से इस धंधे में शामिल है, खुद नशा करते हैं या दूसरों को इस तरह का सप्लाई कर रहे हैं? आप तो देख ही रहे हैं कि एक आदमी से जो पूछताछ की जा रही है वो तो खुद नशे में है, इतना नशे में है कि बताने की परिस्थिति में ही नहीं है, खड़े होने की परिस्थिति में नहीं है, है ना। पूछताछ जारी है, आगे की जाँच में जो ऐसा मामला आएगा वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। क्या कुछ इस पे जो धारा के हिसाब से क्या कुछ कार्रवाई में होगी? कार्रवाई इसमें NDPS के तहत FIR किया जा रहा है, गिरफ्तारी होगी, प्रोसीजर कानून संबद्ध होगा, नियम संबद्ध होगा। क्या कहेंगे जो लोग नशीली दवाओं का उपयोग कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, जो इस तरह का, ऐसे लोगों को किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? ये सामाजिक बुराई की तरह है, इसको समाज के लोग, कानून के लोग, विभाग के लोग सभी को दिशा में काम करने की आवश्यकता है ताकि इसको रोकथाम किया जा सके। सर अपना परिचय दें। ड्रैगन हुए प्रकार की औषधि है जिसमें फेंजिट है 0.5 mg, इसमें अल्प्राजुलाम है जिसकी टोटल जो मात्रा है वो 32x15 टेबलेट है। दूसरा है पायरोवन स्पास प्लस कैप्सूल है जिसकी जो मात्रा है वो 20x8 कैप्सूल है। स्पास्मोप्रक्सिवन है, इसमें ट्रामाडोल ये 8x8 कैप्सूल है। और टाइजोन इंजेक्शन है जिसमें फेंटाजोसिन है, ये 32 mg है। सर ये सभी नार्कोटिक ड्रग है, ये आपके द्वारा ये सर सील कर दिया गया, जांच के लिए लिया जा रहा है और नमूना इसको जांच के लिए लिया जा रहा है और लैब में दिया जा रहा है। दरभंगा जिला के बाढ़ प्रभावित नागरिकों के भोजन सामग्री एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन दरभंगा कृत संकल्पित है। इंडोर स्टेडियम लहरिया चाय दरभंगा में अधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति में राहत सामग्री वितरण करने के लिए सूखे राशन बड़े पैमाने पर पैकिंग किए जा रहे हैं और बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच वितरण भी किया जा रहा है। किस तरीके से राहत सामग्री का पैकेट तैयार किया जा रहा है और पैकेजिंग हो रहा है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए पॉलिथीन शीट इत्यादि वितरण के लिए ट्रक में रखकर दरभंगा से प्रभावित क्षेत्र के लिए भेजा जा रहा है। यह तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन सूखे राशन पैकिंग के वितरण पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और बेहतर ढंग से बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। सभी बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच भोजन आदि का वितरण लगातार किया जा रहा है। जिला प्रशासन दरभंगा का मुख्य उद्देश्य है कि बाढ़ प्रभावित कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। देश के कई हिस्सों के साथ साथ दरभंगा में भी प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। दरभंगा में खुला प्याज 55 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात सामने आई है। महंगाई को देखते हुए भारत सरकार की नई पहल, दरभंगा शहर में अब 35 रुपए किलो प्याज मिलेगा। 12 पिकअप वैन पर प्याज बिक्री के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भारत में प्याज की महंगाई को देखते हुए भारत सरकार एवं भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित के द्वारा हर जिले में 35 रुपए प्रति किलो प्याज की बिक्री की जाएगी, जिसका उद्घाटन विजय कुमार सिंह शाखा प्रबंधक पटना के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। पिकअप वैन के द्वारा प्याज हर गली मोहल्ले सड़क चौक चौराहे पर बिक्री की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित NCCF पटना, जो कि उपभोक्ता मामले मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करती है, दरभंगा में प्याज की बिक्री 35 रुपए प्रति किलो दर से शुरुआत की गई है। यह कार्य पिकअप वैन के द्वारा किया जाएगा। वहां इंचार्ज ने बताया कि सुबह 8 बजे लेकर रात 7 बजे तक हर व्यक्ति को 2 किलो प्याज 35 रुपए किलो की दर से दी जाएगी। आज प्याज की बिक्री के लिए 12 पिकअप वैन शहर में प्याज बिक्री के लिए निकली है, जो विभिन्न जगहों पर पिकअप वैन खड़ी करके लोगों के बीच 35 रुपए प्रति किलो प्याज को बेचा जाएगा। ये जो है हमारा उपभोक्ता मामले मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये प्याज का वितरण करवाया जा रहा है, जिसमें
उसके अधीनस्थ NCCA पटना शाखा बिहार में जो है सभी जगह करीब करीब आज दरभंगा में इसका उद्घाटन किया जा रहा है और ये प्याज 35 रुपये प्रति किलो की दर से आम जनता को मिलेगा और 2 किलो प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। बाजार से काफ़ी सस्ता मिल रहा है। हाँ, बाजार से जब तक जो है बाजार कंट्रोल नहीं हो जाता है, रेट आम जैसा नहीं हो जाता है, तब तक जो है हमारा रिटेल चलेगा। ये भारत सरकार की तरफ से किया, ये भारत सरकार उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अधीनस्थ NCCA पटना द्वारा ये यहाँ व्यवस्था किया गया है रिटेल करने का। ये पूरे दरभंगा जिला में घूमेगी गाड़ी, ये दरभंगा के आसपास मतलब शहरी से लेके ग्रामीण एरिया तक टच करेगी। प्रत्येक गाड़ी में कितने किलो प्याज होंगे जो लोगों को वितरण करना है? ये गाड़ी की बात नहीं है, इसमें हर एक गाड़ी में 2-2 किलो के पैकेट रखे हुए हैं जो कि यहाँ उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे। सर आपका शुभ का पैकेट दिया जाएगा। आपका शुभ परिचय सर? विजय कुमार सिंह, शाखा प्रबंधक NCCA। आपका नाम? निखिल कुमार सिंह, असिस्टेंट मैनेजर। प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिलाधिकारी के कार्यालय में। वहीं आयोजित प्रेस वार्ता में दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर के न सिर्फ फायदे हैं बल्कि इससे ऊर्जा की भी बचत को बढ़ावा मिलता है और जो कंज्यूमर है उनका भी बिजली बिल में कई तरह का फायदा मिलता है। वहीं डीएम ने कहा कि लोगों की यह भ्रांतियां रहती है कि स्मार्ट मीटर तेज चलता है, इससे ज्यादा बिल आएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। स्मार्ट मीटर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, यह काफी अच्छा है और इसकी काफी विशेषताएं भी हैं और उपभोक्ताओं को इससे बहुत लाभ मिलता है। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने स्मार्ट मीटर के कई प्रकार के फायदे और उसकी विशेषताओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। प्रीपेड स्मार्ट मीटर है वो बेहतर है। अगर आपका पोस्ट पेड है और आपने कोई लोड फिक्स करा करके कनेक्शन ले रखा है तो आपका अगर इस्तेमाल नहीं भी होगा कनेक्शन भी नहीं कटेगा और आपका बिल आता है। प्रीपेड में एक लिमिट के बाद आपका जब जीरो हो जाएगा तो आपका खर्च होना बंद हो गया। प्रीपेड में जब आप लोड करते हैं, वो प्रीपेड हो या चाहे पोस्ट पेड, जब आप अपना एक मांग, आपके घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसका एक मैक्सिमम मांग के हिसाब से आप निर्धारित लोड लेते हैं, उसके हिसाब से फिक्स चार्ज, इसका पोस्ट पहले वाले मीटर से या स्मार्ट मीटर से कोई लेना देना नहीं है। ये चार्जेस दोनों में लगते हैं, पहले भी लगते थे अब भी लग रहे हैं। इसमें और बेहतर बात ये है कि किसी कारण से हमने अपना निर्धारित लोड क्षमता से ज़्यादा कर लिया तो अभी तत्काल उसमें 6 महीना तक कोई भी एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं है, जबकि उसमें एक्स्ट्रा पेनल्टी लग जाती है कनेक्शन लेने के 6 महीना बाद। हाँ, कनेक्शन आपने जब भी लिया या जब भी आपने एक्स्ट्रा यूज कर लिया कनेक्शन लेने के 6 महीने तक। हालांकि अभी इनके विभाग से जो बात हो रही थी तो उस अवधि को और बढ़ाने के लिए बात हो रही है ताकि लोगों का लोड निर्धारित लोड के संदर्भ और निर्धारित लोड को घटाना बढ़ाना हमारे अपने हाथ में। आप देखिएगा कि आपका जो सुविधा करके एक ऐप आपने आज लिया कि हमारे घर में कुल 1 किलोवाट का लोड, आपने 1 किलोवाट लोड के साथ आवेदन दे दिया। कल मान लीजिए घर में किसी की शादी हो गई, परिवार में लोग आ गए, कुछ बिजली का उपकरण बढ़ गया, अब लगता है कि मेरा लोड 1 किलोवाट की जगह 2 किलोवाट हो गया, आप बस सीधा ऑनलाइन करेंगे आप अपना वो। सर लेकिन ये जो सुविधा ऐप है ना सर, वो अपडेट नहीं लोग करते हैं, कहता है कि ये अलग है, मैं अपने मोबाइल पे भी रखता हूँ। नहीं, स्मार्ट मीटर नहीं, हम पहले वाली बात कर रहे हैं सर। उसे दूर करने के उद्देश्य से प्रेस ब्रीफिंग की गई थी, उसी कड़ी में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि स्मार्ट मीटर एक अग्रगामी सोच है और इसके कई फायदे हैं। ना केवल ऊर्जा की बचत को बढ़ावा इससे मिलती है बल्कि जो कस्टमर हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनका भी बिजली बिल में काफ़ी कई तरह के फायदे होते हैं। कई लोगों को भ्रांतियां रहती हैं कि स्मार्ट मीटर तेज चलता है जिससे बिजली बिल ज़्यादा आएगा। उस संदेह और भ्रांति को दूर करने के लिए भी हमारे बिजली विभाग के पदाधिकारियों ने एक खुला चैलेंज कह लीजिए, ओपन चैलेंज कहिए, खुली चुनौती कहिए, लोगों के सामने रखा है। आप जहां कहेंगे
जिस मीटर से तुलना करने कहेंगे, जिनके घर में कहेंगे, हम दोनों मीटर एक साथ लगा देंगे। आप चाहिए तो समय समय पे दोनों मीटर में जो खपत हो रही है उसका आकलन कर सकते हैं। और ये प्रदर्शन इन्होंने कई जगह करके दिखाया है कि किसी भी प्रकार के खपत में स्मार्ट मीटर तेज चलने की बात या ज़्यादा विपत्र आने की बात अफवाह। कुछ तकनीकी चीज़ों पे भी मैं बात रखना चाहूँगा। कई बार होता है कि जब आप कहीं बाहर हैं अचानक से आपकी बिजली कट जाएगी, जिससे आपको असुविधा होगी। इसके संदर्भ में भी वास्तविकता यह है कि कोई भी बिजली का कनेक्शन अचानक नहीं कटता है, उससे पहले SMS के माध्यम से आपका बैलेंस शून्य हो जाने के बारे में, और उसके बाद भी अभी 48 घंटे तक का समय मिलता है कि आप रिचार्ज करा करके उसको जारी रखें, और किसी कारण कट भी गया तो उसको रिचार्ज कराते ही स्वतः चल जाता है और डिस्कनेक्शन का कोई उस पर फाइन नहीं है, पेनल्टी नहीं है। जो दूसरी बात है कि अभी जो दो दिन का है, विभाग इस पर भी विचार कर रहा है, उस अवधि को हम और बढ़ा दें ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर इस्तेमाल करते हैं उनको बिजली बिल में अतिरिक्त छूट दी जाती है। एक भार है जो निर्धारित भार बोलते हैं उसको, उसके संदर्भ में भी निर्णय लिया गया है कि कई बार उनका जो स्वीकृत लोड है वो 1 किलोवाट, और किसी समय उनका किसी कारण से परिवार में कोई फंक्शन हो गया या अन्य कारण से उनका ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, उनके स्वीकृत भार से स्वीकृत लोड से ज़्यादा, उसमें भी 6 महीना की छूट देने की बात की गई है। पहली बार स्मार्ट मीटर की ये पाई है। इससे अधिक जो मैं समझ पाता हूँ, मैं खुद स्मार्ट मीटर को लगा करके उसका इस्तेमाल करता हूँ, मैं एक कंज्यूमर हूँ। अब आप देखेंगे कि आप डेली देख सकते हैं कि आपका कितना बिल आया है, और आपकी जागरूकता से डेली के बचत को आप अनुभव कर सकते हैं। अगर मैंने टीवी मैं जैसे नहीं देख रहा हूँ, अगर टीवी ऑन है, अगर मैं नहीं बैठा हुआ हूँ तो भी मेरा पंखा चल रहा है, जिस घर में मैं नहीं कोई काम कर रहा हूँ तो भी मेरा बल्ब चल रहा है। इस प्रकार की सावधानियों से सीधा सीधा आर्थिक लाभ होता भी दिखता है और उसका फायदा भी होता है। तो स्मार्ट मीटर के कई सारे फायदे हैं। अगर आपने 2000 से अधिक की राशि रिचार्ज कर रखी है तो उस पर इंटरेस्ट की राशि जो बैंक दर के दुगुनी, वो भी आपको प्राप्त होता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से दरभंगा जिले के सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि किसी भी भ्रांति या अफवाह में ना पड़े। बिजली मीटर अब जमा करने के लिए कहीं जाने का चक्कर नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे के बताऊँगा कि आज हम सबके हाथ में मोबाइल है, जो आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और दरभंगा जिले के लगभग 40 लाख से ज़्यादा मोबाइल जरूर होगा, क्योंकि आबादी के बराबर तो अब लगभग मोबाइल हो ही गया है, कुछ लोग तो दो दो भी रख रहे हैं। सब लोगों में से 95 या 99% कहूँ या 99.9% भी कहूँ तो सब प्रीपेड। और अगर आपको मैं कहूँ भी कि आप पोस्टपेड करा लीजिए तो शायद आप नहीं तैयार होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रीपेड के माध्यम से मैं अपने खर्च पे नियंत्रण रखता हूँ, मेरी अथॉरिटी रहती है और मैं देख पाता हूँ कि अब मेरे पास कितना बैलेंस बचा हुआ है। और इसी प्रकार से एक बार शुरू में झिझक जरूर होती है, लेकिन अगर आप स्मार्ट मीटर का प्रीपेड का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, बाद में आपको कहे भी कोई कि पोस्टपेड करा लीजिए तो आप नहीं करना चाहे। तो मैं किसी भी प्रकार की भ्रांति जो भी है, मैंने मेरे जो इंजीनियर हैं अभियंतागण हैं, मैं इनके बिहाफ में बोल रहा हूँ कि किसी को भी है तो खुली चुनौती है आकर के ये बता दे कि कहीं किसी भी तरीके से ज़्यादा बिल आता है या किसी प्रकार की कोई कठिनाई है, तो उसका हम समाधान करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, और कुछ भी इसमें छुपा हुआ नहीं, हर चीज़ का हम लोग समाधान करके बताएंगे। और अगर कुछ कठिनाई है, और उदाहरण कि अगर किसी ग्रामीण इलाके में किसी के पास उसको पेमेंट करने की सुविधा नहीं है, यानी कि स्मार्ट मोबाइल उस टाइप का नहीं है जिससे वो तुरंत पे कर सके, उसके लिए भी व्यवस्था बनाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। वही गाइडलाइन आ रहा है कि किस प्रकार से, जैसे हम लोग बैंक मित्र के माध्यम से या सहज वसुधा के माध्यम से हम लोग अपना प्रीपेड रिचार्ज करते हैं, अब तो हम लोग मोबाइल में खुद कर लेते हैं, बट प्रीपेड में कई बार हम लोग कार्ड स्क्रैच करते थे या दुकान में जाके कराते थे,
तो उस प्रकार से शुरुआत में करेंगे और बाकी चीजें। बिहार पहला राज्य है जिसमें इसने कदम बढ़ाया है और बिहार को देख करके कई सारे अन्य राज्य, विकसित राज्य, उसका बिहार को फॉलो कर रहे हैं, बिहार की नकल कर रहे हैं, बिहार के मार्ग पे चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी पहल है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा, सभी माननीय लोगों से कहना चाहूँगा, माननीय मुखिया जी लोगों से, वार्ड मेंबर से, सभी जो हमारे प्रेस के लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा, जो हमारे अधिवक्तागण हैं, बुद्धिजीवीगण हैं, नागरिकगण हैं, सबसे मैं अपील करना चाहूँगा, सामान्य जनता से अपील करना चाहूँगा कि कहीं कोई भ्रांति में ना पड़े, इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, देखें और कहीं संदेह है तो आए और उसको समझ करके उस संदेह को। गरीबों का खून चूसने वाला स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा। सभी शहरी भूमिहीन गरीबों को जमीन व पक्का मकान देना होगा। नारो के साथ भाकपा माले दरभंगा महानगर इकाई द्वारा 10 सूत्री मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने डीएम के समक्ष धरना आयोजित किया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले नेताओं ने कहा कि भाकपा माले का हक दो, वादा निभा। राज्य स्तरीय अभियान पूरे बिहार के प्रखंड और जिला मुख्यालय पर जनता के जनमुद्दों को लेकर प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दरभंगा भाकपा माले महानगर इकाई के बैनर तले एक दिवसीय धरना आयोजित की गई। इस धरना में दरभंगा शहर के मेहनतकश गरीब मजदूर अपने जीवन से जुड़े मुद्दे को लेकर मांग पत्र जिलाधिकारी के समक्ष समर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र व राज्य की मोदी नीतीश सरकार से मांग करते हैं कि मोदी नीतीश फर्जी घोषणा करना बंद करे, गरीबों से वादा खिलाफी नहीं चलेगा। सभी गरीबों को राज्य सरकार के घोषणा अनुसार तमाम भूमिहीन आवासहीन शहरी गरीबों को पक्का मकान एवं रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाए। स्मार्ट मीटर के खिलाफ जनता में काफी आक्रोश है। हमारी पार्टी गरीबों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर गरीबों का खून चूसने वाला स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा। नीतीश कुमार अविलंब स्मार्ट मीटर योजना वापस ले, नहीं तो आने वाले दिनों में भाकपा माले जन आंदोलन तेज करेगी। अंत में भाकपा माले नेताओं ने जिलाधिकारी के समक्ष 10 सूत्री मांगों को उनके कार्यालय में सौंपा। धरना का नेतृत्व कामेश्वर पासवान, योगेंद्र राम, रंजन सिंह, उपेंद्र राम, अवधेश सिंह, मोहम्मद मोजीम ने किया और इसमें विजय कुमार ठाकुर, गंगा, विष्णु यादव, बसंती कुमार, जयशंकर कुमार सहित दर्जनों लोग शामिल हुए। पुलिस फोर्स बुला करके दबाव बनाया जाता है। ये सरकार का पॉलिसी जो है ये बहुत ही गलत है। इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि सरकार अपने निर्णय को वापस ले, स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। हमने सुना था ये जो अदानी है उनका जो सबसे बड़ा चीफ होता है राज्य का, उन्होंने बताया था जनप्रतिनिधियों के घर में जल्दी से जल्दी स्मार्ट मीटर लगाओ, जनता के घर में बाद में लगेगा। मुझे समझ में आया कि आज अगर पार्लियामेंट का हुकूमत भारत में नहीं चल रहा है, मोदी सरकार ने अपना सारा पावर अदानी अंबानी के हाथ में दे दिया है। देश में हुकूमत करने का काम अदानी अंबानी कर रहा है। तो देश में हुकूमत चलाने के लिए ऑर्डर कर रहा है मित्रों, ये एकदम गलत है। हमें किसी भी कीमत पर इसको मानना नहीं है। इस बात के खिलाफ प्रतिरोध को तेज करना है। ये लोकतंत्र पर हमला है, भारतीय संविधान पर हमला है। आज तक मोदी सरकार ने बोला था कि हम संविधान को नहीं बदले हैं। हमारे पास पक्का पक्का सबूत है कि 40% से ऊपर भारतीय संविधान को बदल दिया गया है। बहुत सारी बातें जो गरीब पत्थर था उसको बदल दिया गया है, उसको मिटा दिया गया है। मित्रों कल बोल रहे थे मोदी जी कि भारत में जो पहले से नियम कानून चल रहा था, जो तरीका देश को चलाने का चल रहा था, उस सारे को मैंने बदल दिया। उन्होंने स्वीकार किया कांग्रेस और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो ढांचा देश में बना था, हुकूमत करने का जो तरीका तैयार हुआ था, उस सारे को तोड़ करके बड़े बड़े पूंजीपति कॉरपोरेटों के पक्ष में संविधान को बदल के सारे ढांचा को बदल दिया है। मांगों को लेकर आप आज लोग धरना पर बैठे हुए हैं, हक दो निभाओ बैनर के तले डीएम के समक्ष धरना, एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। विभिन्न मांगों में हमारी मांग
डीएमसीएच शुभंकरपुर पंडासराय कबीरपुर डीएमसीएच एवं शुभंकरपुर में बनाई गई बहुमंजिला इमारतों जो अब जर्जर स्थिति में आ गई है उन्हें तोड़कर नया निर्माण कराकर वहां बसे परिवारों को पुनः बसाया जाए, स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाई जाए एवं गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाए। पंडासराय में संपर्क पथ एवं आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया जाए, पुराने नाले को चालू करवाया जाए एवं जल जमाव का जो अस्थाई निदान हेतु मास्टर प्लान बनाया जाए। रोड किनारे ठेला स्वरोजगार में लगे लोगों को पहचान कर उन्हें लाइसेंस जारी किया जाए एवं सफाई फुटपाथ का निर्माण कराया जाए। एक मिनट, रानीपुर अप्रोच पथ निर्माण में निजी जमीन अधिग्रहण बंद करने का हम लोग जो है सो इसका डिमांड रखे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है कामेश्वर पासवान, नगर कमेटी सदस्य। प्रेस रिलीज बना हुआ है? आज धरना दिया जा रहा है, किस ओर से दिया जा रहा है, किनके समक्ष दिया जा रहा है? ये आज का जो कार्यक्रम है राज्य संघ के आह्वान पर पूरे बिहार के जिले में आग लागल है और यह महानगर कमेटी भाकपा माले महानगर कमेटी की ओर से ये धरना दिया जा रहा है और जिला पदाधिकारी को ज्ञापन मांग से संबंधित सौंपना है और अभी तक कोई पदाधिकारी आए नहीं है। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे हैं जैसे कि शहरी गरीबों को 70,000 सालाना से कम का आय प्रमाण पत्र दिया जाए, भूमिहीनों के आवास विहीन परिवारों को पक्का का मकान बनवा कर दिया जाए, शहरी गरीबों के रोजगार के लिए 2,00,000 रुपया सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए, शहर के विभिन्न हिस्सों में यथा बेला पंडासराय रत्नोपट्टी आदि इलाकों में 40-50 वर्षों से बसे परिवार को उक्त बसे हुए जमीन का कानूनी अधिकार पत्र दिया जाए, सराय कबीलपुर डीएमसीएच एवं शुभंकरपुर में बनाई गई बहुमंजिले इमारतों को जो अब जर्जर स्थिति में आ गई है उन्हें तोड़कर नया निर्माण कराकर वहां बसे परिवारों को पुनः बसाया जाए, स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाई जाए एवं गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाए, न्यू पंडासराय में संपर्क पथ एवं आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया जाए, पुराने नाले को चालू करवाया जाए एवं जल जमाव को अस्थायी निदान हेतु मास्टर प्लान बनाया जाए, शहर में रोड के किनारे ठेला पर स्वरोजगार में लगे लोगों को पहचान कर उन्हें लाइसेंस जारी किया जाए एवं अस्थायी फुटपाथ का निर्माण कराया जाए, बेला मोहल्ला वार्ड में रानीपुर अप्रोच पथ निर्माण में निजी जमीन अधिक्रमण बंद करो। यह 10 मांग है हमारा। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम योगेंद्र राम, मैं भाकपा माले महानगर कमेटी सदस्य। रमा वल्लभ जलान बेला कॉलेज दरभंगा में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से केंद्र सरकार की एक पेड़ माँ के नाम योजना को क्रियान्वित करते हुए विश्वविद्यालय के एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक डॉ आर एन चौरसिया की उपस्थिति एवं प्रधानाचार्य डॉ नरेंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मौके पर कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण किया और स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर चौरसिया ने वृक्षारोपण के महत्व एवं पर्यावरण संरक्षण में इसके योगदान की विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए ताकि उन्हें स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण हस्तगत कराया जा सके, अन्यथा नई पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। वृक्ष हमें साधु की तरह हमेशा अपना फल फूल तना जड़ पत्ते बीज आदि प्रदान कर हमारे लिए भोजन वस्त्र आवास शुद्ध हवा और औषधि प्रदान करते हैं। महाविद्यालय के एनएसएस पदाधिकारी प्रोफेसर शिवनारायण राय ने भी कार्यक्रम में बोलते हुए स्वच्छता पर प्रकाश डाला। इस मौके पर संबोधित करते हुए बरसर सह परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कृष्ण कुमार अग्रवाल ने पर्यावरण के लिए वृक्षों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। समारोह में बोलते
बोलने वाले प्रमुख लोगों में प्रोफेसर लाल तुना झा, प्रोफेसर ललित मोहन मिश्र, अनिल ठाकुर, दयानंद प्रसाद, मनोज कुमार, रमेश कुमार, अरविंद कुमार, बीरेंद्र कुमार पासवान, सुरेश पासवान, विनोद कुमार दास, इंद्र नारायण झा, सुजीत कुमार, अमन कुमार, आशा कुमारी, अंजलि कुमारी, प्रीति, अनिशा, रागनी, मदन कुमारी आदि शामिल थे। आज किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ? यह कार्यक्रम स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत बच्चों और यहाँ पर एनएसएस के कार्यकर्ता और विभाग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर के हम लोगों ने विश्वविद्यालय के परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें कि प्लास्टिक के जो वेस्ट थे उनको अलग करके और प्राकृतिक वेस्ट को अलग करके हम लोगों ने विशेष करके पार्थेनियम ग्रास के विषय में भी जागरूकता बताई है कि किस प्रकार से पार्थेनियम को पहचानना और उसके जहाँ भी हो सके उसके उन्मूलन के प्रति सभी को सचेत होना चाहिए, ताकि हम लोग अपने जो प्राकृतिक जैव विविधता है उसको भी बचाए रख सकें और स्वच्छता को अपने जीवन में आत्महित कर सकें। अपना परिचय बताएं। मैं सोनूराम शंकर, विश्वविद्यालय विभागीय एनएसएस का समन्वय, विभागीय कार्यक्रम समन्वय। धन्यवाद जी सर। विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग परिसर में किस चीज़ का कार्यक्रम चल रहा है? आज महात्मा गांधी के जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के एनएसएस जिलाधिकारी आर एन चौरसिया जी के नेतृत्व में स्नातकोत्तर एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी रामशंकर सोनी जी के द्वारा और विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के छात्र छात्राओं के द्वारा एक सफाई अभियान चलाया गया है, जिसके तहत हम लोगों ने स्नातकोत्तर रसायन विज्ञान विभाग से सफाई कार्यक्रम शुरू किया है, जो इस तरह आगे चलता रहेगा। साथ ही यह अनुभव किया गया कि इस कैंपस में पार्थेनियम का बहुत सा पौधा है जो बहुत खतरनाक हम लोगों के लिए, तो यह निर्णय लिया गया है कि आगे हम लोग पार्थेनियम जागरूकता शिविर करेंगे और पार्थेनियम उन्मूलन के लिए कैंपस से पार्थेनियम को समाप्त के लिए एनएसएस इकाई द्वारा सफाई अभियान चलाया जाएगा। अपना परिचय सर। मेरा नाम हुआ डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा, मैं दरभंगा अध्यक्ष और धन्यवाद। दरभंगा जिला पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना स्थल लहरियासराय दरभंगा में मंगलवार को वहीं आयोजित धरना में सैकड़ों की संख्या में विभिन्न प्रखंडों से आए हुए लोगों की काफी संख्या में उपस्थिति देखी गई। दरभंगा जिला पान महादलित की ओर से अपने हक को लेकर जोरदार आवाज बुलंद किया गया एक दिवसीय धरना के माध्यम से। भाई कहा जाता है माताओं बहनों, उस बेटी की तरह उस माँ की तरह बनो, क्योंकि जब हमारे देश पर अंग्रेज ने चढ़ाई की थी और हमारा देश गुलाम बन गया था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई हार नहीं मानी थी, उनका पति को मार दिया गया, तब अपने बेटी को पीठी पर लाद करके और घोड़ा का लगाम दांत से पकड़ करके और दोनों हाथ में तलवार लेकर के कितने अंग्रेजों को खून किया। जब लहू लहूवान हो गई तो इन्हीं का सेना नायक वही सतमा की मिया जिसको कहते हैं, वही पान की बेटी सरकारी भाई है। माताओं बहनों बनो तो उस सरकारी भाई की तरह बनो, जो भाई मतलब होता है वीरांगना, तो उसी तरह जो घोड़े पर सवार होकर के और रानी लक्ष्मीबाई को घर में छिपा दी क्योंकि वो बेहोश थी लहूलुहान थी और अपने बेटी को पीठी पर बांध करके कितने अंग्रेजों का जान ले ली, लेकिन जिंदा हाथ नहीं आई, मरने के बाद हाथ आई। साथियों कहा गया है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं, यदि हमारा अधिकार बार बार इस जाति के साथ धरती पर अन्याय हुआ है, जब अंग्रेज चढ़ाई की हमारे जाति के द्वारा जितना भी कपड़ा बुना जाता था, कहा गया है एक अंगूठी से 27 साड़ी निकल गया था, ऐसा जो है सो कलाकारी इस जाति में था, लेकिन अंग्रेज जब चढ़ाई किया तो देखा कि इस जाति के हाथों से बना हुआ कपड़ा इतना शानदार और अच्छा होता है, यहाँ पर मेरे मशीन का बना हुआ कपड़े का भैग नहीं रहेगा, इसीलिए इस जाति को 209 में बांस का सुर भी मना के फोक दिया जाता।
जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिला के किरतपुर एवं गौड़ाबौड़ा प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्वयं भ्रमण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार बाढ़ प्रभावितों क्षेत्रों में पॉलिथीन शीट्स वितरण करवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक रसोई, मेडिकल टीम, पशु चिकित्सक के द्वारा कैंप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिला में बाढ़ प्रभावित नागरिकों के भोजन सामग्री एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन दरभंगा कृत संकल्पित है। इंडोर स्टेडियम लेडियसराय में अधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति में राहत सामग्री वितरण करने के लिए सूखा राशन बड़े पैमाने पर पैकिंग किया जा रहा है और बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच वितरण भी किया जा रहा है। जिला अधिकारी राजीव रोशन सूखा राशन पैकिंग का वितरण पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। साथ ही बेहतर ढंग से बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच भोजन सामग्री एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। सभी बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच भोजन आदि का वितरण लगातार किया जा रहा है। जिला प्रशासन दरभंगा का मुख्य उद्देश्य है कि बाढ़ प्रभावित कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। दरभंगा में बाढ़ प्रभावित इलाके में फूड पैकेट पहुंचाने का काम भारतीय वायुसेना के जवानों ने संभाला। दरभंगा वायुसेना केंद्र पर हेलीकॉप्टर में बाढ़ पीड़ितों के लिए फूड पैकेट लोड किया गया। दूर दराज के इलाकों में बाढ़ पीड़ित तक पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है।